केशनी चतुर्पाड़ी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने बनाई है बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी सोयाबीन की बड़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप अगर योगा कर रहे हो या आप डाइट प्लान में, ये सोयाबीन की बड़ी एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। मैंने ये सोयाबीन की बड़ी की रेसिपी शेयर की है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपको कैसी लगी इसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसे एक बार खाओगे तो बार बार बनाकर खाओगी। तो चलिए अभी सारी सामग्री लाने के लिए मार्केट चलते हैं। तो अभी इसके लिए हमें लगने वाली है 2 चम्मच घी, थोड़े काजू, मूंगफली के दाने, 1 कटोरी सोयाबीन वड़ी या उसे हम सोया चंक भी कहते हैं, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच जीरा, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, मैगी मसाला, 1 प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च, 10 से 12 कड़ी पत्ता, टमाटर 1, शिमला मिर्च 1, 1 गाजर, मटर के दाने 1/2 कटोरी, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, थोड़ा धनिया। और ये सारी सामग्री लेकर मैं पहुंच चुकी हूँ घर। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में थोड़ा पानी गुनगुना होने तक गर्म कर लेते हैं और दूसरी तरफ एक पैन में 1 चम्मच घी डाल देंगे। अभी इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा भुनेंगे सुनहरा होने तक। इसके बाद इसमें डालेंगे प्याज, सुनहरा होने तक इसे अच्छे तरीके से पका लेते हैं। और जो गर्म पानी हमने लिया था उसमें सोयाबीन वड़ी डालेंगे। सोयाबीन को थोड़ा भिगोकर रखेंगे और फिर उसे निकाल लेंगे। निकालते समय पूरा पानी निचोड़कर इसे निकाल लेंगे, कुछ इस तरह जैसे कि आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ पैन में हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, बारीक कट किए हुए गाजर, शिमला मिर्च, मटर के दाने डालेंगे और 2 मिनट इसे होने देंगे। तब तक सोया चंक्स में दही, थोड़ा मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारे पैन का ढक्कन उठाकर देखेंगे और इसमें मूंगफली के दाने डालेंगे, 1 टमाटर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक डालेंगे। अभी इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसे होने देंगे। इसमें काजू भी डाल देंगे, इससे ये जो सोयाबीन की जो वड़ी है वो खाने में और भी टेस्टी लगेंगी। अभी इसे थोड़ा होने देंगे। इसके बाद मैगी मसाला डालेंगे, थोड़ा सोयाबीन वड़ी डालेंगे, 2-3 मिनट होने देंगे अच्छे से। और ऊपर से थोड़ा मैगी मसाला डालेंगे, अच्छे से घुमा लेंगे। और गार्निशिंग के लिए ऊपर से धनिया। और ये हो गई हमारी हेल्थी और टेस्टी सोयाबीन वड़ी तैयार। तो आइए इसे सर्व करते हैं। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और परिवार में सबको ये जरूर खिलाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए और नई नई रेसिपीज बनाते रहिए। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी बाकी की रेसिपीज भी आपको यहाँ दिख रही होंगी। ये रेसिपी आप एक बार जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।